अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बच्चों की सेफ्टी के साथ अल्फा खान। आज मैं आपको बताऊंगी कि रोड कैसे क्रॉस करें। आपको पता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग का निशान किसके लिए है? ये पैदल चलने वाले सड़क पार करने के लिए लोगों के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि रोड कब और कैसे क्रॉस करें। रोड नहीं क्रॉस क्योंकि सिग्नल खुला है, गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं। अब सिग्नल बंद हो गया, गाड़ियाँ नहीं आ रही, तो मैं रोड क्रॉस कर। अब हम पुलिस अंकल से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि लोग ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हैं या नहीं। सर, लोग जो हैं ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं? बेटा, मैं आपको बताता हूँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग कैसे पार करते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा बड़ों का हाथ पकड़ के अपने सिग्नल को वॉच करते हैं। जब लाइट रेड हो जाए तो फिर ये जो आपको नज़र आ रही है नीचे ज़मीन पे सफ़ेद लाइनें, इनको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो आप अपने सिग्नल का बंद होने का इंतज़ार करें, जब सिग्नल रेड हो जाए तब आप अपने बड़ों के साथ इसको क्रॉस कर दें। वो देखे हुए जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से नहीं क्रॉस कर रहा, जो बेटा इस तरह क्रॉस नहीं करता, वो फिर उसके लिए मुश्किल पैदा होती है। वो ट्रैफिक के बहाव में भी खलल डालता है, उसकी जान को भी जो है वो मुसीबत खतरे में आ जाती है। क्योंकि जब हम लोग ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क क्रॉस करेंगे, सिग्नल रेड होगा, हम इजीली कर जाएंगे। जब हम चलती हुई ट्रैफिक में जाएंगे, उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर इस तरह हादसात होते हैं। मुझे ये बताएं कि ज़ेब्रा क्रॉस से रोड क्रॉस करने का फ़ायदा क्या है? बेटा, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है ये पूरी दुनिया में ये जो है ना सड़क के ऊपर एक निशान लगाया जाता है कि जब आपका सिग्नल, मतलब जो ट्रैफिक चल रही है, जब वो ट्रैफिक बंद हो जाए तो ये पैदल चलने वालों का रास्ता होता है। आपका फ़ायदा ये होता है कि इससे ज़िंदगी सिक्योर रहती है, हादसात में कमी होती है, एक्सीडेंट नहीं होता। क्योंकि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए बनाई गई है, जब आपका सिग्नल रेड हो तभी आप इसको क्रॉस करें, इससे आपकी ज़िंदगी महफूज हो जाएगी। बच्चों, अकेले रोड क्रॉस ना करें, या तो ट्रैफिक अंकल से कह दें या तो अपने पेरेंट्स के साथ। दिखाई है उस टाइम आपने शॉर्ट क्रॉस करनी है। चलिए, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।